नमस्कार, मैं हूं मुकेश पचौरी और आप सुन रहे हैं अच्छी खबर .com पर प्रेरक किस्सों कहानियों के खजाने में से एक और कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है कहां छुपी हैं शक्तियां। एक बार देवताओं में चर्चा हो रही थी और चर्चा का विषय था कि हर मनोकामना को पूरा करने वाली गुप्त चमत्कारी शक्तियों को कहां छिपाया जाए। सभी देवताओं में इस पर बहुत वाद विवाद हुआ। एक देवता ने अपना मत रखा और कहा कि इसे हमें जंगल की गुफाओं में रख देना चाहिए। दूसरे ने उसे टोकते हुए कहा, ना, हमें इन्हें पर्वत की चोटी पर छिपाना चाहिए। उस देवता की बात ठीक से पूरी भी नहीं हुई थी कि कोई कहने लगा कि न तो हम इसे गुफा में छिपाएंगे और ना ही पर्वत की चोटी पर, हम इसे समुद्र की गहराइयों में छिपा देते हैं, यही स्थान सबसे उपयुक्त होगा, यहां वो आसानी से ढूंढ नहीं पाएगा। क्योंकि आदमी के पास अगर चमत्कारी शक्तियां आ गईं, अगर वो सकारात्मक हुआ तब तो सब कुछ ठीक, नकारात्मक हुआ तो कुछ भी बर्बाद कर सकता है। सबकी राय खत्म होने के बाद एक बुद्धिमान देवता ने कहा, क्यों ना हम मानव की चमत्कारिक शक्तियों को उसके मन की गहराइयों में छुपा दें। क्योंकि बचपन से ही उसका मन इधर उधर दौड़ता रहता है, मनुष्य कभी कल्पना भी नहीं कर सकेगा कि ऐसी अद्भुत और विलक्षण शक्तियां उसके भीतर छिपी हो सकती हैं और वो उन्हें बाह्य जगत में खोजता फिरेगा। अतः इन बहुमूल्य शक्तियों को हम उसके मन की निचली तह में छिपा देते हैं। बाकी सभी देवताओं को यह प्रस्ताव सही लगा और सभी सहमत हो गए और ऐसा ही किया गया। मनुष्य के भीतर ही चमत्कारिक शक्तियों का भंडार छुपा दिया गया, इसलिए कहा जाता है मानव मन में अद्भुत शक्तियां निहित हैं। दोस्तों, इस कहानी का सार यह है कि मानव मन असीम ऊर्जा का कोष है। इंसान जो भी चाहे वो हासिल कर सकता है, मनुष्य के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि उसे स्वयं ही विश्वास नहीं होता कि उसके भीतर इतनी शक्तियां मौजूद हैं। अपने अंदर की शक्तियों को पहचानिए, उन्हें पर्वत, गुफा या समुद्र में मत ढूंढिए, बल्कि अपने अंदर खोजिए और अपनी शक्तियों को निखारिए। हथेलियों से अपनी आंखों को ढककर अंधकार होने की शिकायत मत कीजिए, आंखें खोलिए और अपने भीतर झांकिए और अपनी अपार शक्तियों का प्रयोग कर अपने हर सपने को पूरा कर डालिए। मित्रों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और परिजनों से जरूर शेयर करें और हमें लगातार सुनने के लिए सब्सक्राइब करें अच्छी खबर .com पर। फिर हाजिर होंगे प्रेरक किस्सों कहानियों के खजाने में से एक और किस्सा कहानी लेकर। लेकिन आपने जो अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए धन्यवाद।